सत श्री अकाल जी, तुहाडा सब दा स्वागत है जी डीडी अकैडमी दे प्लेटफॉर्म ते। रजत जी, मैं तुहानू पता पैसे सिमटीएस दी सीरीज चलाई हुई है, ठीक है जी। काफ़ी सब्जेक्ट्स तुसीं देख रहे हो, वीडियोस चल रही ने वधिया, ठीक है। तो आई होप तुसीं इंग्लिश दे वधिया ढंग नाल देख रहे हो, ठीक है जी। तो आपां इंग्लिश दा जिहड़ा कंसैप्ट चलाया होया जी, वो हैगा टॉपिक अपना आर्टिकल्स, ठीक है जी। असीं आर्टिकल्स चैक कर रहे हैं जी, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आपां स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स, ठीक है। आर्टिकल्स, वेट, आर्टिकल्स क्लियर है की होंगे सी। आर्टिकल्स असं की देखे लास्ट वीडियो दे विच, ए एंड द, तुम मैं दस भी दिता सी कितने कितने यूज़ करते होंगे, है ना। ए आप कितने लगाना है, द दे जो आप देखा भी कितने कितने लगाने हैं। द दी तो बहुत ही द कंसैप्ट बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। चलो जी, हूँ अ देखो होर कितने कितने, ठीक है। अगला देखो जी, जिम्मे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता सच, वट, रैदर, ठीक है। तो इन्होंने वाले तुम याद रखना है आर्टिकल थोड़ा हमेशा ए या एन रहेगा जे इधर कोई नाउन आता है, जे इधर थोड़ा कोई नाउन आता है, ठीक है जी। जिम्मे फॉर एग्जाम्पल सच आ बुक, ठीक है जी। आ लिख लो भी जे कोई भी की आता जी नाउन वगैरह आता तो थोड़ा इदा ही रहेगा। जिम्मे फॉर एग्जाम्पल वट आ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ठीक है जी। आ देखो वट लग गया पे, आ की लग गया, ये थोड़ा एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव है, नाउन आ से जी, ठीक है, नाउन आ से। समटाइम की होंगे जिदा मैं फॉर एग्जाम्पल बोलदा सच डैश इंटेलिजेंट गर्ल, क्लीयर। तो हूँ दसो एंदे विचो तुसी ए या एन चो की लगाओगे, चलो दसो ए या एन चो तुसी की लगाओगे जी। बिल्कुल ध्यान दो, हूँ तुसी इनू नहीं देखना, साउंड की चेक करोगे आई दा। तो आई बारे मैं थोड़ा किया जो वाउल का साउंड आऊगा तो आप की लगा होंगे बई एन लगा होंगे, ये चीज़ का ध्यान रखोगे तुम, क्लीयर है। तो बस एन देख लो भी जे नाउन है फिर साउंड आप जो फिलअप के नाल वाला साउंड है ना वही चैक करा, क्लीयर है जी। चलो जी, एक चीज़ ना तुम आह चीज़ लिख के रखो, जिम्मे थोड़े लिखवाया से मैं थोड़ा याद है एक आर्टिकल होंगे है ना, आर्टिकल तो बाद सीधा की आ जाता हूँ एक तो नाउन, जिम्मे मैं बोलता अ गर्ल, क्लीयर है। एक होर लिख के रखो, वो कहड़ा भला, वो लिखो जी थोड़ा आर्टिकल, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, जिदा कि हूँ मैं देखिया आ से देखे ना तुम, तो मतलब जे नाउन तो पहला कोई वर्डिंग आती हुई, जिदा मैं बोलना इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ना लगाता गर्ल, ठीक है। तो आर्टिकल लगे होगा मूहरे पक्का, ठीक है, कोई ना कोई। तो एन इंटेलिजेंट गर्ल लिखता जी, ठीक है जी। तो जरा आह इंटैलीजेंट है ना थोड़ा, जो थोड़ा पूछ ले पेपर वाले ने दसो जी की है कि पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन हो गया, नाउन तो पहला हमेशा की लगे पे होगा बई एडजेक्टिव, ठीक है। तो यही तो आर्टिकल है, आर्टिकल तो सबनों पता है, ठीक है, ए एन ते द, क्लीयर है जी। आर्टिकल थोड़ा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं भी एन लगे पे तो कला एन होगा, नहीं आर्टिकल थोड़ा ए एन दा चो कोई भी हो सकता है, क्लीयर है जी। चलो ये हो गया थोड़ा ए वाला कंसैप्ट, होर भी लिख लो जिमें कि एक सब तो फेमस जिम्मे हूँ इतने लिखा हाफ, हाफ डैश आवर, हूँ ये तो सू सब ही पता सगा मैम ने की सिखाया सगा आ की लग गया पाया आवर तो कितने की लग जाएगा एन, ठीक है, क्लीयर है। एक चीज तुम होर की याद रखनी है भी जरा ए तो एन है ना यदा मतलब मैम ने की दसा सू सिंगल होंगे मतलब वन काउंटिंग, यह काउंटिंग जिहड़ियां चीज़ां काउंटेबल होंगे ने जिहड़े नाउन तुहाडे काउंटेबल होंगे आ तुसीं इह उन्हां नाल लगा सकदे ए ते एन, ठीक है। तो चलो हुण असीं मूव ऑन करते हैं जी, किधर भला द करनी, ठीक है। मैं तुहानूं दस्सिया सी वी जिहड़ा द है ना तुहाडा ये किन्ना नहीं लगता डेफिनेट, पहली गल तो किहड़ा आर्टिकल है तुहाडा डेफिनेट आर्टिकल है, क्लीयर है। हुण डेफिनेट आर्टिकल तो हैगा पेपर से डेफिनेट की स्पैलिंग पूछ लेंगे तो बच्चे एन दे नाल ना ए दी गलती करते हैं आई लगता है, ये चीज़ का ध्यान रखो डेफिनेट, ठीक है, बोलन से ए साउंड बट आई होंगे, ठीक है। इस तरह एक डेफिनेशन वर्ड होंगे ना डेफिनेशन, तो डेफिनेशन भी ऐ पैंदा, ठीक है, बोलन से तो ए बट इतने आई होंगे, ये चीज़ का ध्यान रखियो। चलो
मैं की कह रही थी डेफिनेट है, ये सारे डेफिनेट आर्टिकल है, क्लीयर है। चलो डेफिनेट तो हैगा, तो हूँ असं ये देख रहे हैं भी जो द लगता कि नाल है, थोड़ी मेनली तो यह पता होना चाहिए भी द आप लाना कि नाल है, क्लीयर है। जो फॉर एग्जाम्पल पहला लिखो जी, फस्ट रूल लिख लो द आप कि लाना है, जिन्हें थोड़ी डायरेक्शन होंगे ने गिया, ठीक है, जिन्या भी थोड़ी डायरेक्शन, डायरेक्शन मीनस की होंगे ने दिशावान, ठीक है, जिन्या भी थोड़िया दिशावान होंगे ने गिया, क्लीयर, उन्होंने सब के नाल रजे आप लगा होंगे गा आर्टिकल द लगा होंगे, जिमें कि मैं बोला नॉर्थ है ना, तो तुम रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखे हो कहीं इंग्लिश के, है ना, तो जो भी डायरेक्शन आऊगी वो मूहे आर्टिकल की लग्या पाया होगा द, क्लीयर है। ये चीज़ नोट डाउन करो भी जिन्या भी थोड़िया डायरेक्शन आनगियां, ठीक है, उन्हें अगे आर्टिकल कि लग्या होना चाहिए ऑलवेज द, क्लीयर है जी। चलो नैक्सट जी, थोड़िया जिन्या भी अपने की कहते होंगे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ने इतिहासिक, ठीक है, या वी कैन से बिल्डिंग्स ने गिया, उन्होंने भी आर्टिकल की लगता होंगे जी द लगता है, जिदा कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलदा द ताज है ना, होर द रेड फोर्ट, द गोल्डन टेंपल, ठीक है, इन्हें सब नाल आपां की लगानी है भी जिहड़ी इतिहासिक है ना, हो जिवें सांची स्तूप आ गया तो द सांची स्तूप आऊगा, क्लीयर है। तो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स के नाल भी आपां की लगाना होंदा गा आर्टिकल द लगाना होंदा, देखो है क्या सी ना, सब तो ज़्यादा ईजी है, बस आप चीज़ें ही याद रखनी है भी कि लगाना है कि नहीं लगाना, क्लीयर है। चलो ये हो गया हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है, तो नैक्सट लिखो जी तुसीं होली बुक्स हो गई, होली बुक्स पवित्र ग्रंथ हो गए जी थोड़े, जिदा कि फॉर एग्जाम्पल गीता, ठीक है, कुरान, बाइबल, ठीक है, जो भी साडे पवित्र ग्रंथ ने उन्हें अगे असं आर्टिकल केड़ा लगाना बच्चा द, द, ठीक है। ये चीज़ में नोट डाउन कर लो भी जिन्नी भी थोड़िया होली बुक्स वगैरह होंगे ने उन्हें अगे आप आर्टिकल केड़ा लगाना होंगे गा आर्टिकल द लगाना होंगे, ठीक है जी। नैक्सट फोर्थ वन इज है भी माउंट, सॉरी माउंट एवरेस्ट करेगी, जिन्या थोड़िया माउंटेन्स होंगे, सॉरी जिन्या थोड़िया माउंटेन्स होंगे, ठीक है, माउंटेन्स लाओ या हिल्स, देखो मैं कल्ली माउंटेन की गल नहीं कर रही, मैं कल्ली एक पहाड़ी की नहीं गल कर रही, मैं सिर्फ माउंटेन्स की गल कर रही हूँ, ज़्यादा पहाड़िया की गल कर रही हूँ, ठीक है। जो चेन बनती है, जो रेंज बनती है, जिदा फॉर एग्जाम्पल हिमालयास है ना, कितों तो लैके कितों तक फैली हुई है हिमालयास, फिर जी शिवालिक है ना, होर जी रोकी माउंटेन्स होंगे जिदा थोड़िया, ठीक है, इन्हें सब दे नाल आपां आर्टिकल की लगाना है गा द, द आर्टिकल द, ये चीज़ नूं लिख लो, नोट डाउन कर लो भी असी इन्हां नाल की लगाना होंगे गा आर्टिकल द, द लगाना होंगे गा कि नाल भला जी अपनी माउंटेन रेंजेस नाल, ठीक है, मेरे सतपुड़ा हो गई अपनी, ठीक है जी, इस तरह, ठीक है। बट जे थोनू कदे कल्ली चोटी का नाम आ गया, कल्ली की आ गया चोटी का जा सिंगल पहाड़ी का नाम आ गया, तुसीं उत्थे ही नहीं यूज़ करना बच्चा, उत्थे यूज़ नहीं करना, कई बार पीक आ जाती है ना, पीक का नाम जिवें कि माउंट एवरेस्ट, हूँ बच्चों को की लगता है भी माउंट एवरेस्ट आ गया, ठीक है, एड मूहरे की लगा दो आर्टिकल द, नहीं लगता जी, रोंग हैगा, ठीक है, क्योंकि यह कल्ली की है जी चोटी है, तो चीज़ का ध्यान रखना है जो चेन बनती है ना, जो ज़्यादा चेन बनूगी है ना, ज़्यादा पहाड़ियाँ की, क्लीयर है, तो उदो आप आर्टिकल की लगाना होंगे द, यह चीज़ा तुम खास ध्यान रखोगे। हूँ जिमें एक मैं कहता द नंदा हिल, ठीक है, सॉरी नंदा हिल कह दा, तो हूँ मैंने तो साफ पता चल पाया कि लग गया जी भी मैम ने कल कि पहाड़ी की गल की, एक पहाड़ी की गल की है नंदा हिल, तो इतने मूहरे लगाऊंगे नहीं लगता, बस आ चीज़ का ध्यान रखना है भी आप कि यूज़ करना है जो आप ज़्यादा पहाड़ियाँ की करा जी गल करा, समझ लग गई। जिदा होर की है जी द आल्प्स, द विंध्यास, ठीक है जी, तो आ नोट डाउन कर लो भी जो ज़्यादा पहाड़ियों के नाम आएंगे आप उदो ही लगाना है, क्लीयर है जी। चलो हो गया पहाड़ियों वाला, एंटी क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है, एंटी क्वेश्चन आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हैगा जिन्या थोड़िया रिवर्स ने, सीज ने,
ओशियंस ने उन्होंने भी आप आर्टिकल की लगाना होंगे द, जिमें द गंगा, ठीक है, होर द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, द कृष्णा, द यमुना, जिन्या भी थोड़िया नदियां आदि सीज आते हैं ओशियनस आते हैं उन्होंने सब नाल आप लगाना होंगे गा आर्टिकल द, ठीक है, लिख लो द ब्रह्मपुत्रा, द कृष्णा, ठीक है, द पैसिफिक ओशियन होंगे थोड़ा, जिन्हें भी थोड़े ओशियनस वगैरह आ गए, ठीक है, उन्होंने आर्टिकल की लगाना होंगे गा आर्टिकल द। बस इन्नी चीज़ नोट डाउन करो जल्दी भी जिन्हें भी थोड़े रिवर्स ने सीज ने ओशियनस इन्होंने सब के अगे की लगाना होंगे गा आर्टिकल द लगाना होंगे, क्लीयर है जी। फॉर एग्जाम्पल जिमें इंडियन ओशियन भी है ना द इंडियन ओशियन है ना, द कैसपियन सी, ठीक साडा द रेड्स, ठीक है जी, पता लग गया किन्ना किन्ना नाल द लगाना है गा देख लो जी। फिर जिमें बे ऑफ बंगाल है इन नाल भी की लगूगा द लगूगा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, नोट डाउन कर। बाकी फिर एमी सेम एज आप की लैके आवेंगे जी यदा भी टेस्ट, ठीक है, लिख लो जल्दी ये भी ये सारे थोड़े रिवर्स हो गए सीज हो गए ओशनस हो गए इन्हों आर्टिकल हमेशा की लगता होंगे भाई द लगता होंगे। चलो जी नैक्सट देखो जी जो आप किसी की उतों के लोगों बारे दसना होंगे गा, ठीक है, उतों के लोगों बारे दसना होंगे गा जिदा फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश का ध्यान दो यदा मतलब की होगा उतों की सेना ला लो या उतों के लोग ला लो, ठीक है, उतों की सेना या उतों की अपनी लोग लगा लो, ठीक है, तो लिख लो जिम्मे नैशनैलिटी दर्शानी होती है, ठीक है, द डच, क्लीयर है, ये दसी जाते हैं भी उतों के नेगे, ठीक है, या फिर द इंडियंस, द ग्रीक्स, क्लीयर है जी, ये चीज़ा ध्यान ना लिख लो ये उतों की नैशनैलिटी दर्शाते हैं गे, ठीक है, जिमें द इंडियंस हो गए या फिर द फ्रेंच हो गए फ्रेंच के, तो ये उतों के लोगों बारे या उतों के सेना बारे गल होगी, ये चीज़ा तुसी खास ध्यान रखोगे। हूँ जिमें मैं बोला फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिख दिया डैश इंग्लिश कैन स्पीक डैश इंग्लिश, ठीक है, हूँ ऑप्शन हम देती हैं दसो भाई ए एन द तेरा कुछ भी नहीं, हूँ इन्ना पता भी आ स्पीक लिखे है भी स्पीक की होगी कोई ना कोई कि बारे गल चली जाती है भाई लैंग्वेज बारे गल चल रही है कोई ना कोई लैंग्वेज बारे गल चल रही है एग्जैक्टली चल रही है मतलब आह जी इंग्लिश है कि है थोड़ी लैंग्वेज है तो इट मीनस एक ना चीज़ होर ध्यान दो इतने लिखी लो तुसी वधिया क्वेश्चन है वधिया वो है एग्जाम्पल ही वधिया है ठीक है ना कि भला भी जदों है ना देखो कल इंग्लिश लिखा पे ना ओके कुछ नहीं आता कोई आर्टिकल नहीं आता बट जे इतने लिखा होंदा इंग्लिश लैंग्वेज जे इतने की लिखा होंदा इंग्लिश के नाल लैंग्वेज ये सिर्फ इंग्लिश वाले नहीं कोई भी लैंग्वेज का नाम अगे हिंदी पंजाबी संस्कृत कोई भी लैंग्वेज क्लीयर है ना ठीक है तो जे लैंग्वेज नाल वर्ड आ गया दैन वी विल राइट हेयर द तो इतने आर्टिकल कहड़ा लगता होंगे द पर हूँ इतने देखो हूँ डैश इंग्लिश की लिखा है तो पैन दसी आने ना भी जो अंग्रेज लोग ने इंग्लिश वधिया बोल लेंगे ने ठीक है स्पीक वेरी वैल ठीक है जी चलो हूँ इतने की लगेगा आर्टिकल द क्योंकि आप उतों के लोगों बारे गल करी जाने ठीक है अंग्रेजों बारे गल कर रही है ये चीज़ा तुसी खास ध्यान रखोगे एग्जाम्पल नूं चंगी तरह ढंग नाल रजे लिख लो ठीक है जी क्लीयर नैक्सट है जी जिमें थोड़े डेजर्ट्स वगैरह हो गए ठीक है थोड़े डेजर्ट्स वगैरह हो गए मार्थल्स ठीक है थार मार्थल सहारा डेजर्ट ठीक है उन्हें अगे भी की लगेगा आर्टिकल द ठीक है द थार मारूथल
ठीक है जी, डेजर्ट्स अगे भी की लगता है आर्टिकल द लगता है, क्लीयर लिख लो जी। होर केड़े केड़े ने जी, चलो ठीक है। अगला रिलीजियस कम्युनिटीज नू, ठीक है, जिहड़ियां तुहाडियां धार्मिक कम्युनिटीज होंदियां ने उहनां नू दर्शाउण वास्ते भी आपां की लगाने आ द, जिवें कि द द हिंदूस, ठीक है। हुण द हिंदूस तो एक क्वेश्चन होर अराइज हो गया, भला किहड़ा दसदे आ, द हिंदूस लिख लो, द सिक्स, द मुस्लिम्स, ये भी आप कि बारे गल कर रही होंगे धार्मिक कम्यूनिटीज बारे गल कर रहे होंगे जी, ठीक है, डन। हूँ एक साइड इधरली साइड लिख लो न्यूज़पेपर, कुछ कि न्यूज़पेपर होंगे ने जिन्हें अगे भी आर्टिकल की लगता है बई द, जिमें कि द हिंदू, हूँ उन्होंने पता लग जूगा इतने, ठीक है, द हिंदू भी, द हिंदू की है भी अखबार है, ठीक है, वो तो हिंट मिल जूगा भी इन्हों बारे गल की है कि इन्होंने बारे गल की है, थोड़ा आप ही पता लग जूगा, ठीक है। द हिंदू अखबार है, जिमें अपना द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है जी, या फिर अपना वी कैन से दैट द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये लिख लो पॉइंट बना बना के, ठीक है, बेशक तुसी आ चीज लिख लो, है ना, वी थे आर्टिकल द लगता है, फिर थोड़ी ना आ चीजा अपने माइंड च आनगियां, है ना, ये चीजा अपने माइंड च आनगियां, मैम ने किदे किन्ना द द करवाता सीगा, ठीक है ना जी, ये चीज नू लिख लो भी आप द किन्ना लगाया, क्लीयर है। चलो नेक्स्ट देखो, आ लिख लिया तुसी, चलो अगला लिखो, वी कैन स्पीक डैश फ्रेंच, दसो एक साइड होली देनी है, वी कैन स्पीक डैश फ्रेंच लैंग्वेज, चलो दसो भी की लगाऊंगे, ए एन दा या नो आर्टिकल कितने कितने लगता, ए एन द ते नो आर्टिकल तुसी दसोंगे भी कितने लगूगा, क्लियर है। चलो देखो जी, इतने फ्रेंच हैगा नाल कोई लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं आया तो कुछ नहीं, बट फ्रेंच आ गया नाल की लगे आ गया लैंग्वेज तो इतने की लगेगा द, ये चीज़ मैं पहले भी दस रही सी तो हूँ भी, ठीक है। तो नैक्सट लिखो जी, जिन्हें थोड़ी कल फिजिकल पोजिशन आदि ने कि आदि ने थोड़िया फिजिकल पोजिशन, ठीक है, तो उदो भी आप आर्टिकल की लगाना होंगे द, जिदा कि द फर्स्ट है ना, सैकेंड हो गया, सेंटर हो गया जी, मिडल, बॉटम, टॉप हो गया, ठीक है, की लगाना होंगे आर्टिकल द, ये चीज़ नोट डाउन कर लो भी उत्थे आपां की लगाना होंगे गा आर्टिकल द, क्लीयर। एक बारी जस्ट पॉइंट्स बना बना लिखी चलो, ठीक है, जे तुसी आ पॉइंट्स बना ले तो फिर तुहानू फिलअप्स करनी है ना, फिलअप्स करनी है बहुत ईजी लगनगियाँ जे तुहानू अहे आउण लग गए, ठीक है जी। चलो लिख लिया फिजिकल पोजिशन्स वाले भी आप आर्टिकल की रखना होंगे गा आर्टिकल द लगाना है, ठीक है। नैक्सट लिखो जी, ध्यान दियो थोड़ा जा, कहते ना आ कंसैप्ट ध्यान नाल समझो बड़ा जा, तुम्हें याद है तुम्हें की कहा सीगा भी एडजेक्टिव्स दियाँ किन्नियाँ डिग्रीज होंदियाँ ने, किन्नियाँ होंदियाँ एडजेक्टिव्स दियाँ, तीन डिग्रीज होंदियाँ, किन्नियाँ, तीन, पहली डिग्री नूं की कहिंदे बच्चा पॉजिटिव डिग्री कहिंदे आ, दूजी डिग्री नूं की कहिंदे आ जी कंपैरेटिव कहिंदे आ, ठीक है जी, ते तुहाडी तीजी डिग्री नूं की कहिंदे आ जी सुपरलेटिव डिग्री कहिंदे आ, चलो जी क्लीयर है, ठीक है। जिवें मैं गल करा टॉल, टॉल कि डिग्री होगी बई पहली, टॉल पहली, ये ना कंसैप्ट थोड़े अगे काम आऊगा, आर्टिकल्स भी काम आना है, पता आर्टिकल आप पॉजिटिव डिग्री ना भी थोड़ा मैं यूज करके दिखाऊंगी,
ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਦ ਹੀ ਅਤੇ ਐਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਨਾਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਟੋਲ ਦੂਜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਟੋਲਰ ਬਣ ਗਈ ਥਰਡ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਬੱਚਾ ਟੋਲੈਸਟ ਬਣ ਜੂਗੀ ਥਰਡ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਟੋਲੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਗਈ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਡਿਗਰੀ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ ਜੀ ਮੋਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਡ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਥਰਡ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਆਖਲੀ ਡਿਗਰੀ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇਖੋ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਏ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੀਜੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲਾਸ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲਾਸ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲਾਸ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ ਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ ਲਿਸਨ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਆ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਮੋਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਲਗਾਓਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਮੋਸਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਏ ਲੱਗੂਗਾ ਐਨ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਦ ਲੱਗੂਗਾ ਕਲੀਅਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨ ਮਾਈ ਕਲਾਸ ਹਟਾਤਾ ਬਸ ਆਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੈਟਸ ਆਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਆਂਸਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਏ ਲੱਗਦਾ ਐਨ ਲੱਗਦਾ ਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੀ ਰੂਲਸ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਥਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਦ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਜਿਵੇਂ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਰਮਾਇਣਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹਿਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਹਿਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਰਿਵਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਰਿਵਰਸ ਓਸ਼ੀਅਨਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਆਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੈਟਸ ਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਡੱਚ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਗਜਾਮਪਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਤੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜਨਸ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਸ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋਗੇ, ਏ ਲਾਉਂਗੇ, ਐਨ ਲਾਉਂਗੇ, ਡ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ। ਆਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗੀ ਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਦ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ।